एक बार क्या हुआ, बाबा सूरदास जी वृंदावन आए हुए थे और तुलसी बाबा भी वृंदावन आए हुए थे। तो मेला चल रहा था, उसी मेले में अचानक से भगदड़ मच गई। एक हाथी था, वो थोड़ा बेकाबू हो गया और वो भाग करके पूरे भीड़ में एकदम घुसता घुसता सबको मारता मारता आगे बढ़ रहा था। तो बाबा सूरदास जी तुरंत उन्होंने अपने गोपाल जी उठाए, झोला में डाले और डर के मारे एकदम भाग गए वहाँ से बचने के लिए। बाबा तुलसी वहीं बैठे रहे। जब सब थोड़ा शांत हो गया, सब चला गया हाथी, तो बाबा तुलसीदास जी ने सूरदास बाबा की टांग खींचते हुए कहा कि सूर्य एक बात बता, तुझे अपने इष्ट पे भरोसा नहीं है क्या? अरे भरोसे वाला तो ऐसे थोड़ी, उसको तो पता है कि हमारे प्रभु है, वो बचा लेंगे, भगने की क्या जरूरत थी? तो बाबा सूर ने उत्तर दिया हंस के कि देखो जी, आपके तो हैं धनुषबाण वाले, आपके तो सचमुच बचा लेंगे, पर हमारा है बेचारा लड्डू गोपाल, लड्डू खाने ये हमको क्या बचाएगा, उल्टा हमको इसको बचाना पड़ता है। छोटा है ना बेचारा, कैसे भागेगा बताओ, हाथी आ गया सामने तो कैसे भागेगा। सो हमने इसलिए झोला में पहले इसको डाला और इसको बचा करके फिर भाग। ये होती है निष्ठा। यहाँ अगर सूरदास बाबा ये कह देते ना कि भगवान तो ये है फलाने, तो भगवान फिर एक जो भाव होता है ना, वो भाव पुष्ट होना चाहिए। सख्य भाव है तो फिर सख्य भाव ही होना चाहिए, उसमें फिर भगवान का भाव नहीं आना चाहिए। श्री वल्लभाचार्य जी पुष्टि मार्ग के श्री वल्लभ महाप्रभु, आप एक बार, इनका सख्य भाव है भगवान से, पूरे पुष्टि परंपरा का सख्य भाव है। तो एक दिन ध्यान में बैठे थे, चिंतन कर रहे थे, सोई गोपाल जी भागे भागे, ओ बाबा बाहर एक बंदर आ गए हो, हमको बड़ो डर लग रहे हो, ने कवा को भगा दो, ऐसे बात करते थे। वल्लभ महाप्रभु से ठाकुर जी साक्षात बातें करते। तो वल्लभाचार्य जी ने देखा कि ये हमारा ध्यान भंग कर रहे हैं, तो एकदम बोला आप खुद भगा लो, फिर आँख बंद करके बैठ गए। थोड़ी देर बाद फिर आए ठाकुर जी भागे, बाबा बाबा मोकू बड़ो डर लग रहे हो, वो बंदर मेरी तरफ खीखी कर रहे हो, ने कवा को भगा दो। दो तीन बार ठाकुर जी आए तो वल्लभ महाप्रभु ने थोड़ा सा ने रोष में आके, थोड़ा ने गुस्से में आके बोल दिया, क्यों, जब पूतना मारी थी तब तो तुमको डर नहीं लगा, आज ये कितने से बंदर से डर रहे हो। तो जैसे वल्लभाचार्य जी ने ये कहा ना, ठाकुर जी नाराज होके चले, रुष्ट होके अदृश्य हो गए। एक दिन, दो दिन, तीन दिन आए ही नहीं वापस, चिंतन में भी नहीं आए। तब महाप्रभु को लगा कि हाँ हमसे भूल हो गई, हमारा भगवान के प्रति सख्य भाव है, वात्सल्य भाव, वात्सल्य सख्य में छोटा बालक है, और अगर बालक है तो वो तो डरेगा ही। हमने ये भाव जैसे मन में आया ना कि जब ये पूतना को मार सकता, तो भगवान का भाव आ गया। भगवान का भाव आते ही फिर ठाकुर जी चले गए कि ठीक है, अब तो या तो हमको बच्चा ही समझो या भगवान ही समझो, एक ही चीज समझ सकते हो, दो नहीं, एक भाव होना चाहिए। वल्लभ महाप्रभु के पुत्र श्री विट्ठलनाथ जी, विट्ठलनाथ भगवान ने एक बार खीर बनाई, खीर बना करके भगवान के सामने उनको रखा। तो अब ठाकुर जी तो हमारे बड़े नखरीले हैं ना, तो जैसे खीर रखी तो बोले, अरे राम राम राम, कैसी खीर बनाई है, चिप चिप इतनी मीठी, पूरे होठ चिपक रहे हैं, हम नहीं खाते ये खीर। अच्छा चलो, दूसरे दिन कम मीठे की बनाई, कम मीठे की खीर भोग के लिए सामने रखी। जैसे भोग के लिए सामने रखी तो ठाकुर जी बोले, राम राम राम, आज तुमने क्या कर दिया, आज तो एकदम ये सीठी है ही नहीं इसमें मीठा। विट्ठल नाथ प्रभु गए, एक कटोरी में थोड़ा चीनी लेके आए, शक्कर लेके आए, सामने रख दिया भगवान के सामने, बोले लो, सामने चीनी रख दी, बोले मिला लो। तो भगवान बोले, हम कैसे मिला ले, हमको तो मिलाना ही नहीं आता। तब विट्ठलनाथ प्रभु ने बड़ी जोर की डांट लगाई
कि जब तुमको न कुछ आता है न जाता है तो इतना इतराते क्यों तुम? जैसा तुमको मिल जाए वैसा पा नहीं सकते चुपचाप? ठाकुर जी एकदम चुप हो गए, डर गए, और चुपचाप जैसी खीर थी रूखी सूखी मीठी फीकी सब उठा के गटगट पी गए कि नहीं तो अब बड़ी डांट पड़ेगी। ये सख्य भाव, वात्सल्य भाव, जिसको भगवान के प्रति पुत्र भाव है वो डांट भी सकता है, जिसको भगवान के प्रति सख्य भाव है, अब सखा सखा में नहीं हो जाती कभी, ऐसे सख्य भाव में हो भी सकती है। तो ये सब भाव प्रधान है, इन भाव में बड़ा रस है, पर इन भाव में फिर भगवान वाला भाव नहीं आना चाहिए। भगवान वाला भाव आते फिर सब गड़बड़ हो जाता है। तो हरिजन सो हरिजन मिले बिहसे सात करोड़। श्री विदुर जी और श्री उद्धव जी का मिलन हुआ, विदुर जी के प्रसंग को सुनाया गया। ये कथा आप सब जानते हैं, जब भगवान शांति का प्रस्ताव लेकर के आए हैं दुर्योधन के पास, लेकिन दुर्योधन उस प्रस्ताव को स्वीकार न करके उसके ठुकरा देता है। भगवान देखते हैं कि इसने हमारा प्रस्ताव ठुकरा दिया, चलो जैसी इसकी इच्छा। वहाँ से विदा लेकर के भगवान पहुँच जाते हैं विदुर और विदुरानी के घर। विदुरानी घर में अकेली थी, भगवान की प्रतीक्षा कर ही रही थी, क्योंकि मन ही मन भगवान को न्योता दे चुकी थी और मन में भाव था कि आज हमारे ठाकुर हमारे भगवान अवश्य आएंगे, और भगवान उनकी प्रार्थना को स्वीकार करके वहाँ पधारे। और जैसे प्रभु आए, विदुरानी अपना हाव भाव प्रार्थना स्तुति सब भूल गई और बस ठाकुर जी को निहारती रही निहारती रही। भगवान ने निवेदन किया कि प्रभु चाची जी कैसे ऐसे बस बैठी रहोगी, कुछ खिलाओगी पिलाओगी भी? तब याद आया तो भीतर से थोड़ा केला प्रसाद लेकर के आई और केला छील करके भगवान को दिया। और कैसे दिया, कैसे दिया बताइए ना। देखो सब जानते हो, सबको पता है कि भगवान भाव से छिलका भी पा लेते हैं, पर बिना भाव के हम रोज हर कथा में 56 भोग लगाते हैं। आए कभी ठाकुर जी पाने? क्योंकि भाव की अभी कमी है, भाव की पुष्टता होते ही भगवान रूखा सूखा जो पवा दो छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। गोपी एक कटोरी छाछ के लिए दिन रात इनको नचाती और ये नाचते भाव के खातिर। तो छिलका लेकर के विदुरानी ने भगवान को पवाया, भगवान पाते गए पाते गए, बड़े आनंद से भगवान ने इस छिलका को पाया, इतिहास बना दिया उस भूल ने। कभी कभी भूल भी इतिहास बना देती हैं, क्योंकि उस भूल में प्रेम था। संसार की साधारण भूल होगी तो उसमें फिर दंड मिलेगा, पर ये कुछ भूल ऐसी हैं बड़ी मीठी भूल हैं, इन अपराधों में भी प्रेम छुपा हुआ, इन गलतियों में भी प्रेम छुपा हुआ। तो भगवान ने वो केला का छिलका पाया और कृपा की भगवान ने विदुरानी जी के। और जब विदुर जी आए ना, जब विदुर जी ने देखा ये बावरी क्या कर रही, छिलका खिला रही, भगवान हाथ पकड़ लिया, अरे रुक, खुद केला लेकर के केला भगवान को देने लगे। तो क्या बोले भगवान? भगवान ने कहा ना ना विदुर जी, अब तो हमको एकदम डकार आके बढ़िया पेट भर गया और अब हमें भूख कतई नहीं। क्यों? क्योंकि जो भाव विदुरानी के छिलके में था विदुर जी आपके केले में नहीं है, तो इसलिए हमारा पेट भरे। ठाकुर जी कहते बस विदुरानी उसी दिन उसी क्षण से श्री ठाकुर जी को अपना मान बैठी, अपना बना बैठी। बस यही भाव हमें अपने मन में लाना है कि भगवान की प्राप्ति के लिए देखो कोई बड़े बड़े साधन नहीं करने पड़ते। बड़े बड़े साधन जिन युगों में करने पड़ते थे उसमें करने पड़ते, आज के युग में तो बस आप भगवान को प्रेम अर्पित करो।
अपने घर के ठाकुर जी को, अपने घर की जो मूर्ति, उनको खूब 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 प्यार करो, खूब लाड़ करो, उनको खूब स्नेह करो। आपके घर के जो ठाकुर हैं, कोई पत्थर मूर्ति नहीं है वो, कोई अष्ट धातु पीतल नहीं, वो साक्षात भगवान है। उनके साथ बातें करो, उनके साथ व्यवहार करो, उनसे स्नेह करो, उनसे प्रेम करो। धीरे धीरे आपको अनुभव होने लगेगा कि वो कुछ 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 आपके साथ कुछ लीला करने लगे, कुछ क्रीड़ा करने लगे। वो चमत्कार नहीं है, भक्ति में चमत्कार नहीं होता, भक्ति में बस विश्वास होता। चमत्कार से नहीं करते हैं, पर आपके प्रेम को देख करके वो धीरे धीरे आपके साथ फिर कुछ खेल खेलने लगते हैं। आपको लगेगा अरे अभी तो मूर्ति ऐसी थी। अच्छा, जो आपकी घर की मूर्ति होती है, कभी उनको ध्यान से देखो। अगर कोई आप अच्छा काम करके उनके सामने जाओगे ना, आपको लगेगा मुस्कुरा रहे, और कि कुछ कुछ उल्टा सीधा कुछ गड़बड़ करके आए हो ना कहीं से, तो देखो एकदम तीखे तीखे नजरों से आपको देखेंगे, कराया गड़बड़। फिर टेढ़े टेढ़े देखते हैं, समझ आ जाता है आज नाराज है, आज गुस्से में। उनसे प्रेम करिए। पुत्र नहीं है उनको पुत्र बनाइए, बेटी नहीं उनको बेटी बनाइए, भाई नहीं भाई बनाइए, माता नहीं माँ बनाइए, पिता नहीं है पिता बना लीजिए, पति नहीं है पति बना लीजिए। अरे भगवान कहते तू मुझे नौकर भी बना लेगा तो मैं तो तेरे साथ नौकर बन करके भी व्यवहार कर लूं, पर बना तो कुछ मुझे, कुछ रिश्ता तो जोड़ मुझसे। मैं हमेशा अपनी कथाओं में कहती हूँ, देखो इस कथा का एक ही उद्देश्य है। आपसे अगर अभी कोई पूछे कि ये जो आपके साइड में बैठा ये कौन है, आप फटाक से बोलोगे हमारा रिश्तेदार है, ये कौन है ये हमारी पत्नी है, ये कौन है ये मेरा बेटा है, ये कौन है हमारा पति है। वैसे ही जिस दिन आपसे कोई पूछे, भगवान आपके साइड में खड़े और कोई पूछे ये कौन है, तो तुरंत उत्तर होना चाहिए आपके पास। सोचना ना पड़े, एक सेकंड ना सोचना पड़े। पत्नी को पत्नी बताने में सोचना पड़ता है, भगवान कौन है आपके, ये रिश्ता तो होना चाहिए ना उनके साथ। भगवान है ये अलग बात है, पर एक रिश्ता होना चाहिए उनके साथ। कोई रिश्ता बनाओ जो तुम्हारे मन में। ग्वालाओं ने सखा का बनाया, अर्जुन ने सखा का बनाया, विदुर ने स्वामी का बनाया, मीरा ने प्रियतम का बनाया, गोपियों ने प्रियतम का बनाया, और बस फिर प्रेम आरंभ होता है, फिर भक्ति आरंभ होती है।